सर बाणी ने अंदर लेके जा। ओह माय गॉड कितनी खूसट है आई टेल यू। बाय द वे थपकी, क्या अम्मा माई के पास दूसरी बार तुम्हारी आवाज की रिकॉर्डिंग कैसे आई? आई मीन सच में तुमने इन्हें कुछ नहीं कहा है? नहीं, थपकी ने नहीं, तुमने कहा है। मैंने मैं क्यों ऐसा? हाँ, क्योंकि इस घर में ऐसी गंदी और घटिया सोच वाली सिर्फ तुम ही तो हो। आइंदा मेरी पत्ती पर उंगली उठाने से पहले 10 बार सोच लेना श्रद्धा, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग भी ना छोटी ही है। हाँ मम्मी जी, आप कह रही है तो रिकॉर्डिंग झूठी ही होगी ना। वो मुझे थोड़ा डाउट हुआ, इसलिए डाउट क्लियर कर रही थी, ऐसे पूछ लिया मैंने। लेकिन एक बात तो अम्मा माई ने ठीक कही ना, शादी के डर से हम ऐसे पांडे निवास को छोड़ के तो नहीं जा सकते ना। अब बनेगी श्रद्धा थपकी। आ रही है अम्मा माई आपकी थपकी। अम्मा माई आपने ना बहुत अच्छा किया, अब सबकी अकल ठिकाने पर आ गई। अरे जब आपने बोला कि ये शादी होके रहेगी, होता है श्रद्धा बन के भी थप्पड़ खाऊं और थपकी बन के भी। बुद्धि माई तेरा तो एक दिन मैं बैंड बजाऊंगी। ये किस लिए मारा आपने? शोध हो रहा है इस दो मुंह रूप के खातिर अकेले में आके मेरे पैर पड़ा है और पीछे पीछे क्यों गुप्पे है? क्यों निकाला तुम्हें टीना को बाहर? देखिए सॉरी, मैं तो अम्मा माई ये आप चुप बंद रख अपना। क्यों नहीं मैं बोलूंगी, बहुत हो गया तेरा ये नाटक। अब तो कल सुबह सबके सामने जाके सच कहेगी कि पानी का प्यार मेरे छोरे का साथ मैं तब में तय करा था, नहीं तो तेरा ये असली चेहरा सबके सामने ले आऊंगी। ये फैसला थारे हाथ में है, मुंह कौन खोलेगा, तू कि मैं? ये निकल अठा से, कल सुबह मिलोगी। सुबह अरे अब ये कौन सी नई नौटंकी है? हाँ घर है ये घर, बंदूक चला रही है आप ऐसे? अरे किसी को गोली लग सकती है, जान जा सकती है। ना ना, यह बंदूक तो सलामी में है उस शुभ समाचार के जो थारी लाडली बहू थपकी सबके सामने सुनाने वाली है, जिसको सुन के
खरी जान में जान आ भी सके है और जा भी सके है। मेरा सारा का सारा प्लान यही खत्म। बेमौत मरूंगी मैं, बेमौत। हबकी बोले, उससे पहले मैं ही सबको सच बोल देती हूँ। हबकी चल बता सब ने क्या कहना चाह रही थी। एक्चुअली पहले मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ। वो क्या है कि चुप, एकदम चुप, मुंह बंद रख अपना और कोई बीच में नहीं बोलेगा। दीप सिर्फ ठपकी बोल रही, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी बानी की शादी अम्मा माई के बेटे प्रिंस से करने को पूरी तरीके से तैयार हूँ। मेरा यही फैसला है कि ये शादी तो होकर रहेगी, चाहे फिर कोई माने या ना माने। शाबाश, तू बहुत सच्ची और अच्छी माँ है। भाई तुम्हारी होने वाली समदंडी तो है, प्लेन से वहां क्यों खड़ा? चल अपने सासू माँ के पास छूट। हाँ मासा, क्यों नहीं। आगे ना ले पाए लागू सासू माँ। मामा आप? अरे हाँ छोरी, एकदम सच्ची बात है यार, तारी मान है ना, इसी ने तय करे है यो ब्याह। पक्के है ना कि एक माँ समझ सकता है कि उसके बच्चों के लिए क्या सही है और क्या गलत। तो बस इबिया बनावेगी थाने मारे घर की बहू। नो वेज, कि ऐसा कर ही नहीं सकती। इसमें जरूर इसकी कोई चाल है, पर क्या पता करना पड़ेगा। इधर आओ। अब बताओ, तब क्या, मैं अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि तुमने खुद ने बानी की शादी तय कर दी। हाँ थपकी, क्यों करी तुम ये सब, किस लिए? देखो थपकी, हम जानते हैं दो ही वजह हो सकती है, या तो तुम किसी चीज से मजबूर हो या तुम कुछ सोच रही हो। अगर सोच रही हो तो बताओ क्या, लेकिन बताओ क्यों कर रही हो ये सब। बोलो थपकी, जवाब दो, चुप मत रहो। क्योंकि मेरे पास यही एक रास्ता है बानी की शादी रोकने का। अभी पता चल जाता कि थपकी का प्लान क्या है, पर इतने तो आके मेरे मुंह पे दरवाजा ही बंद कर दिया। अब तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। माँ बिहान देखिए, हमें उन लोगों को यकीन दिलाना होगा कि उनके फैसले में हम उनके साथ हैं, ताकि वो लोग निश्चिंत हो जाए और हमारे खिलाफ कोई और कदम ना उठा पाए। उसके बाद हाँ, उसके बाद वक्त आने पर हम लोग कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे पानी की शादी खुद ब खुद रुक जाएगी। थपकी क्यों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही हो? तुम जानती हो ना, एक बार हाँ करने के बाद हम लोग मना नहीं कर सकते। मना हम लोग नहीं, मना तो वो खुद करेंगे। बिहान जो तरीका मैंने सोचा है ना,
उससे वो लोग ये शादी भी तोड़ देंगे और इस घर से भी हमेशा के लिए चले जाएंगे बहुत दूर। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तब की तुम्हें पता है ना बानी कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। क्यों फालतू उसकी जिंदगी खतरे में डाल रही हो? रिहान, खतरा तो दोनों तरफ से है ना। अगर हमने उन लोगों की बात नहीं मानी, उन लोगों का साथ नहीं दिया, तो फिर आगे पता नहीं वो लोग क्या क्या करेंगे। बानी के साथ साथ पूरे परिवार पर संकट आ सकता है। अरे लेकिन तब क्या? लेकिन कुछ नहीं, जो कुछ मैंने सोचा है अगर वो करने में हम लोग कामयाब हो गए ना, तो हमारे परिवार से संकट हमेशा के लिए खत्म और ये लोग भी हमेशा के लिए घर से दूर चले जाएंगे। देखो तबकी तुम, तबकी अगर तुम जो सोच रही हो वो सही है तो मैं हूँ तुम्हारे साथ बेटा। बताओ तो सही कि क्या सोच रही हो तुम, करना क्या है? पागल हो जाती हूँ मैं, पागल। फिर भी आप तो बहुत अच्छे हो, मैं भी आपसे ब्याह करूंगी। मैं तो ब्याह करके रहूंगी। जाए। जाए तू जा, तू जा। बजरंगबली, बजरंगबली, बचा, बचा, मेरे को बचा। हम तुझे ना तू आई बला घुटा सा, आई तुझे आई बैठ लग। शाबाश बेटा, आपने तो सचमुच को डरा के भगा दिया। बिहान आप देखते हैं कि ये लोग हमारी बेटियों को कैसे परेशान करते हैं। पर बानी बेटा, तुम जल्दी से जाकर अम्मा माई के पास हो जाओ, इससे पहले प्रिंस वहां पहुंचे। जाओ। हो गया? अरे प्रिंस जी, बताओ ना, बताओ ना क्या बात होगी, इतना क्यों घबरा रहा है? कोई बुरा सपना देखा है? नहीं, सपने नहीं, परी परी उपाली को देखा मैंने, उसे नींद में चलने की बीमारी है कि चाकू लेके मेरे पीछे भागे। परी वो पागल है। ये पागल तो मैंने तू लग रहा है। मासा सच बोलूं मैं, वो सपना को नहीं, सच है। पानी मेरे पीछे भागे, वो भी चाकू लेके। चाकू लेके? हाँ बानी। हाँ कहां से आ गई?
बिहान जैसा हमने सोचा है बस वैसा ही होता जाए, फिर देखना जिससे सब कुछ कितनी जल्दी ठीक हो जाएगा। ले भाई बाणी का जोड़ा पकड़। देख प्रिंस, क्या थारी शेरवानी अच्छी है ना। और बाणी बेटा, ये आपकी शादी का जोड़ा है, इसी को पहन के आपकी प्रिंस जी से शादी होगी, कैसा लगा? गजब है मम्मा। देखा मम्मा, मेरी बेटी बानी इस शादी से कितना खुश है, और मैंने इसको अच्छी तरह से समझा दिया, अब शादी ये खुशी खुशी करेगी। ले भाई, या बानी तो मेरी अच्छी बहू होगी। अरे तू भी बैठे, तू भी तो मेरी अच्छी समझन होगी। वे ला भाई, बहुत बढ़िया। प्रिंस अब तो आप बहुत खुश होगी ना, शादी जो हो रही है आपकी बानी से। आप तो बहुत अच्छे हो, मैं भी आपसे ब्याह करूंगी। बोले, ये सब सुन गया, बोल ना। हाँ 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 मासा। बानी, मन लग गया है तेरा होने वाला पति ने भूख लग रही है, एक काम कर, सेब काट के खिला दे स्नेक। जी मासा, अभी काट के लाई। अरे थपकी की सास आ गई, ये देख नए दूल्हा दुल्हन के लिए शादी के जोड़े। शादी का जोड़ा नहीं, ये छोटे छोटे बच्चों के बर्बादी का जोड़ा है। एक माँ होकर तुम ठीक नहीं कर रही हो थपके। सरप्राइज। आओ टीना, बैठो आओ। अरे बैठो, तुम्हारी ही बहन है। देखा थपकी, मैंने तुम्हारा काम और भी आसान कर दिया। ये देखो, ये कुछ फोटोग्राफ्स है लड़कों के, देखना चाहोगे? अरे समझी नहीं क्या? अरे जब तुम इतने मन से बानी की शादी करवा रही हो तो फिर टीना क्यों पीछे रहे? ये भी तो तुम्हारी बेटी है ना, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके लिए भी अच्छे रिश्ते ढूंढना शुरू कर दूं, इसीलिए मैं ये सारी पिक्चर्स देख रही। देखो बच गया ना बैंड शातिर थपकी, कल तो तुमने मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया और कुछ सुनने भी नहीं दिया, पर अब पता चल जाएगा कि तुम्हारे दिमाग में क्या खुरापात चल रही है।